मैं दिखाता हूँ, आप सोचना ज़रा, अगर सोच जाओ तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। ये किसी टाइम पे मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बन गया था, कि मेरे को लगता था यार क्या सोच के बनाते हैं ना ये लोग क्वेश्चन। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होना। जीरो है ना, मैं बोल रहा ना आलू की तरह कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी जोड़ दो, कहीं भी घटा दो ना, तो लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते। क्या आपको नहीं लगता कि जो मेरे को पहली लाइन दिख रही है ना, ये दिख रहा है एफ एक्स बाई एक्स, आपको भी दिख रहा है? अगर आपको भी दिख रहा है तो मैं इसे लिखना चाहता हूं एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एक्स। आराम सोचो, ये एफ एक्स अपॉन एक्स ही लिखा है इसको, ये एफ एक्स बाई एक्स है ना, ये एफ एक्स बाई एक्स ही लिखा है, सोच लेना आप, सही है? अच्छा, अब मैं इसके साथ लिख रहा हूं इस एक्स को, ठीक है ना। अब की बार मैं लिख रहा हूं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स बाई टू माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एक्स बाई टू इंटू टू। मैंने एफ एक्स अपॉन एक्स ही लिखा है, सोचने, मैंने एफ एक्स बाई टू अपॉन एक्स ही लिखा है, एफ एक्स बाई टू अपॉन एक्स। अगले नंबर पे कौन होगा? एफ एक्स बाई थ्री अपॉन एक्स, यही तो होगा, सही है। अच्छा, ये और डेड डैश भी है ना, डेड डैश ऐसा है। हाँ भाई, तो प्लस के अंदर अगले टर्म पे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स बाई थ्री माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एक्स लिखूं, और एक्स बाई थ्री के लिए बाई थ्री इंटू थ्री कर देता हूं। ये आपको समझ में है क्या हो क्या रहा है? एंड डेड डैश ये चलता रहेगा। लास्ट टर्म कौन होगा? एफ एक्स बाय के माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एक्स, और एक्स के नीचे के अपने घर से, और मैं के से उधार ही चुकाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी चीज पे नजर डलवाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता ये आर एस डी है? क्रांतिकारी फार्मूला याद आया, एक्स माइनस जीरो, तो मुझे इसे एफ डैश क्या लिखना है, जीरो या एफ डैश एक्स। अगर पहले ये याद करो था क्या फार्मूला, अगर एफ एक्स माइनस एफ जीरो एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए होता था तो उसे लिखते थे एफ डैश ए। अभी सोचो, दोबारा बोलो आपका आंसर, एफ डैश जीरो, यही तो मैंने कहा ना, आप याद करो एफ डैश ए का फार्मूला था लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अरे याददाश्त तो मैंने कहा ना बहुत बड़ी चीज होती है, चीज को इधर से उधर करवा देती है। तो आपको पता है ये इसकी जगह क्या बोलूं, एफ डैश जीरो बोल दूं इसकी जगह, तो सोचो इसकी जगह, इतने की जगह दिख रहा है, इसकी जगह टू को हटा करके बाकी जगह देखो, ये एक्स बाई टू माइनस जीरो लिख सकता हूं मैं इसको, हाँ यार, तो इसकी जगह मैं दोबारा लिख दूं एफ डैश जीरो और डिवाइड बाई टू, चल ही रहा है, और पास वाले में एफ डैश जीरो डिवाइड बाई थ्री। अब तो आगे तो फिर बच्चा लय पकड़ लेता है एफ डैश जीरो डिवाइड बाई के, सही है, और एफ डैश जीरो वन है, तो आपका आंसर हो गया वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस डैड डैश वन बाई के, काम खत्म, प्रूव्ड। आया समझ में? ऐसे वो फार्मूला हेल्प मार जाता है। Let fx be defined in minus 2 to 2 such that fx is equal to minus 1 x minus 1 when minus 2 x and 0 and 0 x and 2 and gx is equal to mod fx plus f of mod x। अगला बोल रहा है टेस्ट डिफरेंशियबिलिटी ऑफ जी एक्स इन ओपन माइनस टू टू टू। ये अपना दूसरा, जितने भी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें दूसरा अपना सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों को मैं सिर्फ एक ही काम कहता हूं कि तू क्वेश्चन मत कर, बिल्कुल मत कर, तू मुझे एफ एक्स ड्रॉ कर दे सबसे पहले, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दे, बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी मैं तेरे को आधा तो तेने एफएक्स ड्रॉ किया आधा जीत गया, तो ग्राफ ड्रॉ कर, क्योंकि उसे पता है वो 25 सेकंड में ग्राफ ड्रॉ कर देगा, कहीं तो उससे भी कम में। देखो हुआ कि नहीं हुआ, ड्रॉ हुआ, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हुआ, बस हाँ हाँ लिख ले क्वेश्चन।
ग्राफ ड्रॉ हो गया, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ, बस और कुछ नहीं। शुभी हुआ, हाँ मिला ले, चलो मिला लेते हैं। देखो ये कहां से कहां तक में, तो माइनस टू यहां पड़ता है और जीरो यहां पड़ता है। माइनस टू से जीरो में किसका ग्राफ बनाना है, माइनस वन, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। लो बन गया, जीरो टच कर रहा है, सही है, बन गया इस तरह। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, जीरो से टू में एक्स माइनस वन, आपको पता होगा आप ऑलरेडी माइनस वन पे खड़ो, मैंने जीरो को माइनस वन पे खड़ो, और x माइनस वन एक्स की लाइन को एक ही नीचे लेके जा रहा था, और बाई चांस ये भी एक ही नीचे है, मैंने बिल्कुल यहीं से गुजरेगी लाइन, यो ओ सॉरी यो ऐसे यो वाली, सही है ना, तो वो ऐसे इधर की बनानी है सिर्फ, हाँ या ना, बन गया। अच्छा अब दूसरा काम तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, अब सेकेंड जॉब दे रहा हूं जिनसे ये बन गया, मॉड एफ एक्स बना दो, क्या होगा, हाँ टू तक ही होगी, टू तक ही होगी, लो टू तक ले लेता हूं बस, सही है। अच्छा हुआ सही टाइम पे टोक लिया, y करो x माइनस वन, ये वन है और ये वाला पॉइंट टू है, और ये अपना माइनस टू, y करो माइनस वन, आप तो मॉड एफ एक्स ड्रॉ कर दो, हो गया शेड ड्रॉ एक आदि का हुआ, मॉड एफ एक्स ड्रॉ करो, असली काम तो ये है ही नहीं, ये तो यूं हो जाएगा यूं, शुभी मॉड एफ एक्स ड्रॉ करना आता है, फंक्शन का मॉडुलस, अरे सारे को नीचे को ऊपर, हाँ तो ये मॉड ऑफ, अरे इसका मॉडुलस बनाना है, बन गया मिला लू। देखो मेरे अकॉर्डिंगली मॉड एफ एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा कि ये ग्राफ जो मैं, जो ऊपर का पोर्शन है वो सिर्फ इतना सा है, जो कि वन के इस तरफ है दो तक है, सही है, जो ये वाला पोर्शन है जब इसका रिफ्लेक्शन जाएगा तो यूं जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर, अच्छा ये लाइन यो और ये लाइन यो, तो मेरे लिए फाइनली ग्राफ जो बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा कुछ होगा पक्का। अच्छा मैं आपको याद दिला दूं, ये वाली लाइन का नाम अभी तक y कोड x माइनस वन हुआ करता था, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो वो उसका माइनस पार्ट हो जाता है, माने इसके आगे माइनस लगा दो बस, तो ये माइनस x माइनस वन हो गए, नहीं है समझ में, अरे जब भी नीचे से ऊपर जाता तो माइनस एफ एक्स हो जाता है। अच्छा ये वाली लाइन कितनी होगी, वाई कर दो वन, क्योंकि जो चीज माइनस वन पे थी वो उसका रिफ्लेक्शन वाई कर दो वन पे हो गया, सही है। अच्छा कहां से कहां तक वाई कर दो वन काम कर रही है, माइनस टू से जीरो तक। अब आप इसे डिफाइन करो, असली काम ये है, अगर आप इसे डिफाइन कर सकते हो तो डिफाइन करना, शुभी इसको डिफाइन करने की कोशिश कर, डिफाइन माने ऐसा बताना है पेपर में कि माइनस टू से जीरो तक वन था, वाई कर दो वन काम कर रहा है, और फिर माइनस, फिर जीरो से लेकर के वन तक ये काम कर रहा है, और वन से टू तक ये काम कर रहा है, ऐसा बताना है, डिफाइन हो जाए तो बता देना, किसी का भी आप में से किसी का भी डिफाइंड हो जाए बता देना, हो गया डिफाइंड पक्का, लिख लूं मैं भी, देखो मैं आपके सामने मॉड इफेक्ट्स को डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन माने लिखना, लिख देना कि ये देखो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस टू से, जब एक्स अपने आप में कहां से कहां में है, माइनस टू से जीरो तक, तब कौन काम कर रहा था, वन, तेने सुबह पेन तक नहीं चलाया, ठीक है, फिर जीरो से वन तक, एक्स की वैल्यू जीरो से वन, जीरो तो इसके पास है, जीरो से वन तक, जीरो से वन तक कौन काम कर रहा है, माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस वन, ऐसा ले लेते हैं बस, ठीक है। अच्छा फिर वन से लेकर के, वन से लेकर के टू तक कौन काम कर रहा है, एक्स माइनस वन, इसे डिफाइन करना कहते हैं, हो गया डिफाइन। अच्छा अब तीसरा काम अब आया है, वो है एफ मॉड एक्स, बनाओ एफ मॉड एक्स, याद है फंक्शन में मॉड एक्स होता है तो क्या करते हैं, सिर्फ राइट का बनाते हैं और लेफ्ट में उसकी इमेज बनाते हैं, बन गया, बन जाएगा, जैसे ही बन जाए मुझे बता देना, इत्तला दे दीजिएगा, बन गया, वेरी गुड। जो राइट का ग्राफ है एफ एक्स का वो ये वाला है, तो मैं तो सिर्फ राइट का ग्राफ बना रहा हूं और दुनिया को बता के बना रहा हूं भाई। अच्छा एक और बात, जब आप राइट का ग्राफ बनाओगे, ठीक है कोई नहीं, इसमें शामिल हो गया वो, इसमें ही लेना पड़ जाएगा मुझे, है ना, जीरो के राइट, सही है। अच्छा अगर मैं जीरो के राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाऊं तो वाई कॉल टू एक्स माइनस वन, और लेफ्ट में जब उसकी इमेज बनाऊंगा तो ये वाली, तो ये वाई कॉल टू में अब क्या बना, देखो ये एक्स के ग्राफ को एक नीचे करने से आया था, ये उसकी इमेज है, ये माइनस एक्स है,
ये माइनस एक के ग्राफ को एक नीचे करने से आ रहा है, क्योंकि माइनस एक्स तो ओरिजिन से गुजरता ना, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। डिफाइन करा। अच्छा अब रुको 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 रुको, इससे पहले कि तुम डिफाइन कर दो और मेरा सारा काम खराब कर दो, मैं आपको पहले से बता दूं कि आप आगे देख लो, आगे देख लो, आपको जोड़ना है दोनों को। जब आप डिफाइन करने वाले हो तो आप पहले से देख लेना भाई, देखो ये लाइन कहां से कहां तक काम कर रही है, ये लाइन कहां से कहां तक काम कर रही है, जीरो से टू तक, तो ये कहां से कहां तक काम करेगी, जीरो से। अब समझना, पिछले वाले की कितनी कैटेगरीज हैं, तो उसे भी तीन में तोड़ दो, सेम कैटेगरी लिख दो, क्योंकि आपको अभी जोड़ना है, फिर दो लिखोगे और दो के बाद मैं उसे तीन कराऊंगा बहुत दर्द होगा। आप कैटेगरी पहले से लिख दो कि भाई कैटेगरी मैं यहां लिख रहा हूं एफ मॉड एक्स, सही है, माइनस टू से जीरो तक, सही है, फिर एक्स वन से जीरो तक, फिर एक्स वन से टू तक। मैं पहले से लिख लेता हूं, मैंने उसकी कैटेगरी सिंपली कॉपी करी है। हाँ मैं लिखूंगा जरूर एफ मॉड एक्स, एफ मॉड एक्स बताओ माइनस टू से जीरो तक कौन काम कर रहा है, माइनस टू से जीरो तक माइनस एक्स माइनस वन, तो लिख दूं माइनस एक्स माइनस वन, हाँ या ना। अच्छा इस वाले में, अच्छा जीरो से वन तक कौन काम कर रहा है, एक्स माइनस वन, तो मैं एक्स माइनस वन ही लिख देता हूं। उसके आगे भी कौन काम कर रहा है, एक्स माइनस वन, तो दो बार लिख देता हूं तोड़ करके, नहीं आया समझ में। अच्छा और आपको तो पता ही होगा पहले से स्कीम डिस्क्लोज है कि क्यों कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि मेरे को जी एक्स में ऐड करना है, किसको, एफ मॉड एक्स को मॉड एफ एक्स में ऐड करना है, कर दूं। अगर मैं ऐड करूंगा तो जिस दिन मैं इसकी तीन कैटेगरी को इसकी तीन कैटेगरी से ऐड करूंगा तो कैटेगरी भी तो तीन ही आएंगी, कैटेगरी जोड़ दूं भाई। यार जोड़ने का मतलब क्या होता है, कॉमन ही तो ले रहे हैं अपन, वन एक्स एंड टू, हाँ अंदर का कंटेंट अब जुड़ेगा, तो ये वन जो है इसके माइनस वन से जुड़ेगा, तो क्या रह गया माइनस एक्स, एक्स माइनस वन जो है वो इससे जुड़ेगा, तो जीरो आ गया। और इसका x माइनस वन जब इसके x माइनस वन से जुड़ेगा तो 2x माइनस टू आ जाएगा, अभी क्या आया gx, जब gx आ गया तो अब आप चाहो तो ग्राफ से और आप चाहो तो वैसे। मैं अभी एक मिनट में डिफरेंशियबिलिटी इसकी डिक्लेयर कर दूं, बोलो कंटिन्यूटी तो यहीं चेक करा दूं, कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है बताओ, जीरो और वन पे, लो आओ x से जुड़ो जीरो पे, हाथों चेक कराते हैं, जीरो पर रखते ही माइनस जीरो और अदरवाइज जीरो है ना, हो गया बात खत्म, जीरो ही है। अच्छा अब एक्स जुगड़ो वन पे चेक कराते हैं, आओ वन पे जीरो, वन पे टू इंटू वन माइनस टू, जीरो इक्वल टू जीरो, माने कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। अब बताओ क्या करना है अगला, एफ डेस एक्स, याद है डिफरेंशियबिलिटी के लिए, तो एफ डेस एक्स कितना हुआ माइनस वन जीरो और टू है ना, माइनस टू एक्स और जीरो तक, जीरो एक्स और वन तक, और फिर वन एक्स और टू तक, सही है। तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू कहां पे चेक करूंगा, जीरो पर, हाँ है ना, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे एल एच डी है ना, लेस देन पे माइनस वन, एल एच डी माइनस वन और आर एच डी जीरो, तो डिसकंटिन्यू नॉन डिफरेंशियबल, सही है। अच्छा वन पे एल एच डी जीरो, सही है, x इज इक्वल टू वन पे बात चल रही है भाई, एल एच डी जीरो और आर एच डी टू, क्या कहते हो आप, नॉट डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल। क्या आपको कहानी पता चली कैसे क्लब करते हैं, जोड़ना कैसे होता है, कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने आने वाले टाइम में अपने छोटे भाई को बताओगे कि यार ये ध्यान रख लेना बस तू, तो ठीक है, हालांकि मेरे को पता है वो तो कॉमर्स ही ले लेगा आपको देखने के बाद, ठीक है। हाँ पहले के आप उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये बताओ तुम तो कि आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है जो आप बताओगे कि यार ये देख लेना, तो देख इसमें तू तेरे साथ 100% चोट होगी, मैं उसे एक ही जगह बताऊंगा, मेरे को पता है वो ग्राफ से जोड़ जाड़ लेगा, लेकिन वो किस चीज को इग्नोर कर देगा, तीन कैटेगरी और तीन कैटेगरी, तीन कैटेगरी के लिए तीन कैटेगरी की जरूरत होती ही है। कल को ये अगर चार में होता मैं उसे भी चार में तोड़ता, कैसे भी करके तोड़ता। तो याद रखना एफ एक्स, अच्छा यही मल्टीप्लाई भी होता, कई बुक्स में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताएं आपको, तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी कैटेगरी सेम हो चाहिए आपको, कैटेगरी उतनी टूटेगी जितना इसकी टूटी थी। एफ एक्स चाहते तो हम दो बारी में लिखते थे, आप में समझदार आदमी सारे एक जने को पता है, हमने जान करके तीन बार लिखा, एक्स माइनस वन ही दो बार लिखा। एनीवे और ये जो हमारे लिए आगे डिफरेंशियल इक्वेशन नाम के चैप्टर तक सबसे काम का टाइटल है,
वो ये डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सबसे खतरनाक टाइटल ये माना जाता है। रेडी, चर्चा जारी करते हैं। क्वेश्चन में अगला बोल रहा है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई डिटरमाइन फंक्शन, फंक्शन बताओ क्या होगा, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई को सूट करता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई को सूट करता है। क्या आप बात समझे? ठीक है, अब मैं हालांकि मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं ताकि मेरे को बार बार नहीं बताना पड़े। सबसे पहला काम, जब भी क्वेश्चन में ऐसा आए कि फंक्शन मांग रहा हो तो उसका जवाब होता है राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ एफ डैश एक्स। सबसे पहले एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिख लो, आपको तो रटा हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आपने फार्मूला लिखा, अपनी तरह से पहला स्टेप करके नक्की हो गए। सेकेंड स्टेप है यूज फंक्शनल इक्वेशन इन फार्मूला। सही है, आपका जो भी फार्मूला उसमें फंक्शनल इक्वेशन का यूज करेंगे आप, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये कर लिया, ठीक है ना, एंड मेक लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फंक्शनल फार्मूले, फंक्शनल इक्वेशन का फार्मूले में यूज करना है और जो भी आपकी लिमिट है उसे एक्स से मुक्त कर लेना, ठीक है ना। एंड एज्यूम इट इक्वल टू के, और उसे के मान लेना भाई। अब कैसे है, क्या है बताता हूं। जैसे मेरे को पता है मेरा फार्मूला था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, और मैं इसकी जगह ये फंक्शनल इक्वेशन में भर देता हूं एफ एक्स प्लस एफ एच, जो हमने पिछली बार अभी करा था वो मैंने आपको एक तरह से फिलर्स कराए थे इस क्वेश्चन तक आने से पहले, थोड़ी ताकत बढ़ाई आपकी ताकि आप इस तरह की चीजों को लेकर सहज हो जाए। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने जैसा बोला फार्मूला लिखो, फार्मूले में इस फंक्शनल इक्वेशन का यूज करो, कर दिया, माइनस का एफ एक्स अपॉन एच यही बना। जैसे ही बन जाए ये अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा, हाँ या ना। जैसे कट जाए पहले देख लो कि अगर कटने के बाद कोई एक्स बच गया तो उसे आपकी आपको बाहर करना है, उसे कैसे भी करके एक्स को रिमूव करो, कुछ भी करके एक्स को रिमूव करो, कहीं उलझा दो, ठीक है ना। और जो बच जाए उसे के मान लो। फिलहाल हमारी पूरी कहानी में कोई एक्स बचा ही नहीं तो ये पूरा ही के मान लिया गया। माने मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये सब उठ गया के बन गया। बनने के बाद में पॉइंट नंबर तीन, ठीक है, नाउ इंटीग्रेट। अब आप इंटीग्रेट करो तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स, और के इंटू वन है, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, के तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स, लेकिन हम बोलेंगे के एक्स प्लस सी। सही है, अब हमारे लिए कितने अननोन आ गए, दो, एक का नाम के एक का नाम सी, ये दो और आए और हमारा काम बन गया। अब क्या करना है, पॉइंट नंबर चार और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से चालू होता है, हमको के और सी की वैल्यू निकालने के लिए कैसे भी करके एक्स की कुछ वैल्यूज चाहिए। फंक्शनल इक्वेशन का यूज करके हम कोई वैल्यूज निकालेंगे, जैसे कैसे निकालेंगे वो समझाता हूं। हमने क्या किया, अच्छा पहली बात, एक सेकेंड, एक बहुत छोटी सी चीज मेरे से एररफुली गलत चली गई। पूरी कहानी में हमारे लिए सिर्फ एक ही अननोन है, दो अननोन नहीं है, नहीं, के तो हमने उसे माना है, कांस्टेंट है, के इज अ नॉर्मल कांस्टेंट, हमारे लिए सिर्फ एक ही अननोन है वो सी। सी कितना होगा वही चेक करना है, ठीक है ना। तो मैं इस सी को निकालने के लिए यूजिंग फंक्शनल इक्वेशन एंड गेट सम एफ कांस्टेंट, अंदर फंक्शन की कोई कांस्टेंट करके कोई वैल्यू निकालूंगा। जैसे कैसे समझाता हूं, मेरे पास ये फंक्शनल इक्वेशन है, मैं इसमें एक्स और वाई को जीरो डाल देता हूं, डाल दूं, इससे मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एफ जीरो बन जाएगा, जीरो प्लस जीरो, इधर क्या बन चुका होगा, एफ जीरो प्लस एफ जीरो बन चुका होगा, और एफ जीरो से एफ जीरो कट गया,
अब बताओ एफ जीरो की वैल्यू क्या बची? जीरो, वन तो नहीं बची ना, मैं वन की भयानक उम्मीद कर रहा था, जीरो। ठीक है, एफ जीरो कितना आया? जीरो। तो मुझे पता लग गया एफ जीरो कितना है? जीरो। मैंने इस फंक्शनल इक्वेशन में एफ जीरो जीरो होगा, अगर होगा तो मैं इसका यूज कर लेता हूं, लेकिन यूज कैसे करूंगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा, किसमें? एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी में कर दूं। अगर मैंने एक्स की जगह जीरो डाला तो एफ जीरो कितना हो गया? जीरो। एक्स की जगह जीरो डालते जीरो प्लस सी की सी बचा, तो फाइनली सी की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। सी की वैल्यू जीरो आती है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? के एक्स। याद रखना एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स इज राइट फंक्शन फॉर दिस। जब जब भी ये फंक्शनल इक्वेशन आएगी मैं हर बार इसी रास्ते से निकलूंगा। ठीक है, पहले आप ये कॉपी कर लो फिर बताता हूं एक और चीज। ठीक है, खटाखट कॉपी करो खटाखट। हाँ भाई लिख लिया, लिख लिया हुआ। ठीक है, अगले पॉइंट पाता हूं, नेक्स्ट। दूसरा इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना अल्टरनेट मेथड क्या है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शनल इक्वेशन लिख लो। अब मैं क्या लिख नहीं पाऊंगा यार, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी तरह से लिख लेना, राइट डाउन द फंक्शनल इक्वेशन, देन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करो, कर दो, कर दूं? अच्छा अब बताओ, जैसे ये सोचो कॉन्स्टेंट का मतलब जैसे चार लिखा होता, क्या लिखा होता? चार। तो बताओ कैसे पढ़ते? एफ एक्स प्लस चार पढ़ते ना। अब एफ एक्स प्लस चार का डिफरेंशिएशन बोलो, एफ डैश एक्स प्लस चार और एक्स प्लस चार का एक, हाँ या ना? तो देखो एफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? एफ डैश एक्स प्लस वाई और फिर एक्स प्लस वाई का वन, वाई का जीरो। तो क्या दिखाऊं, हो गया? अच्छा, जैसे ही डिफरेंशिएट हो गया अब इधर आओ, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और इसका जीरो, वाई तो कांस्टेंट है ना, तो आपके पास में एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल एफ डैश एक्स आ गया, आ गया। अब एक्स को तो जीरो कर दो तुरंत, सेकेंड स्टेप क्या है? ठीक है ना, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या करो x को तो तुरंत जीरो कर दो। अब y में x की जगह कोई वैल्यू डालो, y के नाम पे x की जगह कोई वैल्यू डालो, अगर डाल सकते हो तो y के नाम पे x की कोई वैल्यू डालो और आपका फंक्शनल इक्वेशन अगली लाइन में खत्म हो जाएगा। जैसे क्या? अब देखो वैल्यू कैसे डालनी है, वैल्यू ऐसे डालनी है कि इस एफ डैश के अंदर x बचे, समझा रहा हूं, ये पहले एग्जाम्पल में नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन दूसरे तीसरे से आना चालू होगा। इसीलिए लोग ये या तो कराते ही नहीं है, और कराते तो आधे बच्चों का हवा ही नहीं लगती, इसलिए ज्यादा सोर्सफुली सोचना। ठीक है, देखो x की जगह जीरो डाल दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एफ डैश जीरो, और मैं y की जगह x डालता हूं, क्या करा मैंने? y की जगह x डाल दिया, कर दिया, तो इधर क्या बना? एफ डैश x बन गया। माने मुझे हर बार लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ ऐसा डालना है y की जगह कि f डैश x बन जाए, x को तो मैं हटा ही दूंगा। अच्छा, उधर क्या बना? f डैश जीरो, क्योंकि मैंने x की जगह क्या डाला? जीरो, तो f डैश जीरो आया। अब सोचने की बात है कि अगर ये फंक्शन है तो मेरे को बदल गया f डैश x इज इक्वल टू f डैश जीरो, हाँ या ना, और f डैश जीरो को मैंने k मान लिया, और अगर मैंने f डैश जीरो को k मान लिया तो f डैश x इज इक्वल टू k, तो f x इज इक्वल टू क्या हो गया? k x प्लस c, और उसके बाद पिछला वाला सब चला गया। नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा क्लिक करा है ना, एंड प्रीवियस। ठीक है, आई टेक अ लिटिल बिट टफ टारगेट, थोड़ा सा टफ टारगेट लूंगा, ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। कैसे डील करोगे? हाँ भाई, क्वेश्चन ऐसे ही है, बस ओरल क्वेश्चन है, आपको तो बताना है मुझे डील कैसे करोगे।
अगर ये आ गया तो आपके दिमाग में पहला, मैंने कहा ना थॉट प्रोसेस कैसे स्टार्ट करता है, कैसे सोचना चालू करते हो आप, क्या बस मेरे को, हाँ ये सब सुनना था, डिफाइन करेंगे है ना थॉट प्रोसेस। अरे एक्चुअल में क्या ना, लोगों को स्ट्रैटेजी ये स्ट्राइक ही नहीं करता, करना क्या था भाई, करना क्या है और कुछ नहीं, डिफाइन करेंगे, डिफाइन करके फिर विचार करेंगे। तो पहला काम डिफाइन करने के लिए हमारे को टर्निंग पॉइंट चाहिए। टर्निंग पॉइंट क्या क्या है, माइनस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू और जीरो, और मॉड कॉस एक्स का भी तो होगा ना कुछ कॉस एक्स कैसे निकालते हैं टर्निंग पॉइंट, जो अंदर वाला जीरो तो कॉस एक्स जीरो कब होगा, ऑड पाई बाय टू, तो वो तो एक अपने पास माइनस पाई बाय टू आ ही रहा है। अच्छा अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि अगले ने बांध भी दिया हमारे को, कह दिया माइनस पाई से पाई में देखो तो अपन इधर उधर क्यों जाएंगे। तो पहला काम ये कि हमारी तरफ से फंक्शन क्या बनेगा ना, जैसे हमने डिफाइन किया एक तो जीरो, एक पाई बाय टू, एक माइनस पाई बाय टू, ऐसे ही तो सोचेंगे है ना, नहीं वो तो हो ही गया, ऑड बाय टू तो हो ही गया ना। अच्छा अब आप बताओ, हाँ अपना केस तो माइनस पाई से पाई में है ही, कितने केसेस बने, कितने, पांच, एक तो ये, एक दो, एक तीन और एक चार, केस के नाम बोलो। एक्स अपने आप में माइनस पाई, पाई बाय टू से पाई बाय टू, पाई बाय टू से पाई, उससे पिछले वाला जीरो से पाई बाय टू, उससे पिछले वाला माइनस पाई बाय टू टू जीरो, माइनस पाई बाय टू टू जीरो, एंड इन द फर्स्ट वन माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू, ऐसा बहुत बढ़िया। अच्छा देखो एक्स अगर पाई बाय टू से पाई है, अपन तो उल्टा खतरनाक वाला गेम खेलें, एक्स अगर यहां से हमें खड़ा है तो एक्स पूरी तरह नेगेटिव है ना, है ना, कोई एक वैल्यू जो सोच सकते हो ज्यादा बेहतर रहेगा इन दोनों के बीच में, माइनस का थ्री पाई बाय फोर, माइनस का थ्री पाई बाय फोर, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाय फोर रखो, देखो ये नेगेटिव आएगा, हाँ या ना, तो ये नेगेटिव वो कैसे निकालेगा, माइनस के साथ, तो ये माइनस में एक्स प्लस पाई बाय टू हो गया। अच्छा कोई भी एक्स नेगेटिव होता तो ये वैसे ही माइनस का खुलेगा तो माइनस एक्स हो गया। अच्छा ये माइनस की वैल्यू पे खुद ही माइनस का थ्री पाई फोर सोचा है, और ये और माइनस का आ गया तो माइनस माइनस और माइनस हो गया, तो ओवरऑल ये भी माइनस के साथ ही खुलेगा, माइनस का एक्स माइनस पाई बाय टू। अब पेच अटकेगा यहां, जिसने यहां निकाल लिया वो बढ़िया आदमी, माइनस का थ्री पाई बाय फोर पर कॉस माइनस को खा गया, लेकिन कॉस थ्री पाई बाय फोर तो रहा, और कॉस थ्री बाय फोर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, नेगेटिव, तो ये कैसे निकलेगा, माइनस के साथ, तो ये प्लस का कॉस एक्स निकला, सही है। अब देखो जो जो भी मारा पीटी हो सकती थी वो तो पता नहीं, लेकिन माइनस का थ्री एक्स जरूर दिख रहा है मेरे को, एक सही है दिखा आपको, माइनस का थ्री एक्स सही है, देखो अरे माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस का थ्री एक्स प्लस माइनस का पाई बाय टू प्लस का पाई बाय टू, ये कट गया और कितना रह गया, प्लस का थ्री कॉस एक्स, है ना भाई, केस नंबर वन हो गया। अगले केस पे बात कर रहे थे अपन ने, क्या बोला था, माइनस पाई बाय टू से कहां तक, जीरो है ना, एक्स की वैल्यू कोई इनके बीच की सोच ली, माइनस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर अगर यहां रखता हूं तो पाई बाय टू में से माइनस पाई बाय फोर कम हो करके अभी भी पाई बाय फोर पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव बचा तो एज इट इज बाहर आएगा, नहीं आया। अच्छा माइनस पाई बाय फोर रखो, हाँ बताओ क्या लिखना मेरे को, हाँ मैं तो पूरा थोड़ी बोलूंगा, माइनस बाय फोर रखा तो अंदर वाला नेगेटिव, नेगेटिव 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 है तो कैसे बाहर आएगा, मुझे क्या लिखना है, माइनस एक्स, ऐसे लिखवाओ। अब बताओ माइनस बाय फोर रखा क्या लिखना है मेरे को, क्योंकि अंदर वाला अभी भी नेगेटिव का, तो आपको बताना पड़ेगा, माइनस का एक्स माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई फोर रखा माइनस खा गया, कॉस पाई फोर आ गया जो कि, तो फिर ये एजेटिव बाहर आ जाएगा, तो माइनस का थ्री कॉस एक्स लिख देता हूं, लिख दो, अब की बार कुछ कट रहा है क्या, एक्स और एक्स कट गया और पाई बाय टू जुड़ गया, ठीक है ना, इधर से बचेगा माइनस एक्स, तो माइनस का एक्स माइनस का थ्री कॉस एक्स और एक माइनस का पाई, लो साहब एक और केस हो गया, राइट है। अब एक्स पे आ जाओ, जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू में ये वाली पार्टी पॉजिटिव एज इट इज बाहर आ गई, एक्स पॉजिटिव एज इट इज बाहर आ गया, जीरो से पाई बाय टू के बीच की कोई भी वैल्यू रखी अंदर वाला अभी भी नेगेटिव, शुभी जल्दी सोचना है, तो ये नेगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर आया, ठीक है ना, जीरो से पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव,
कॉस पॉजिटिव एजेटिव 12 है, माइनस का 3 कॉस एक्स, सही है, कुछ कट रहा है क्या, एक्स और एक्स कट रहा है और पापे टू तो जुड़ रहा है उल्टा, एक्स माइनस 3 कॉस एक्स और प्लस का पाई, यही तो हुआ, जीरो से पापे टू। अच्छा एक्स अगर जीरो से पापे टू तो एक्स के ऊपर अगले पे बात करो, अगले के लिए क्या बोलूंगा, पापे टू से पाई, है ना, मैंने इक्वल छुपा लिए, इक्वल छुपा लिए, किसी भी तरफ लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। अच्छा पाई बाय टू से पाई में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मैं सीधा लिख रहा हूं एक्स प्लस पाई बाय टू, ठीक है ना, प्लस का एक्स और प्लस में कितना, एक्स माइनस पाई बाय टू, ठीक है ना, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस नेगेटिव, तो माइनस के साथ बाहर आएगा तो प्लस का 3 कॉस एक्स, सही है, अब कुछ नहीं कटा, अब की बारी हो गया 3x, पाई बाय टू उड़ गए भाई, प्लस 3 कॉस एक्स, हाँ साहब मेरे पास में अब जाकर के तो फंक्शन डिफाइंड हुआ है, इतना अपने को करना पड़ेगा, ये तो मेंस ही करवा लेगा, जब अपने को मेंस करवा लेगा तो उसके बाद में अपन चलते हैं एल एच एल आर एच एल, आ जाओ भाई, है ना, मैं तो कंटिन्यूटी इस बार जल्दबाजी में निकालूंगा, पहला एक्स से जुगड़ो माइनस पाई बाय टू पे, जो कि आराम से निकल जाएगी, एक्स से जुगड़ो अगला टर्निंग पॉइंट क्या है, जीरो, तो मैं जीरो लिख लेता हूं, एक एक्स से जुगड़ो पाई बाय टू लिख लेता हूं, क्यों, क्योंकि अगला टर्निंग पॉइंट पाई बाय टू है, माइनस पाई बाय टू इसमें डाला, माइनस थ्री पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू, भाई मैंने माइनस पाई बाय टू इसमें डाला तो प्लस का थ्री पाई बाय टू, सही है, अच्छा माइनस का पाई बाय टू इसमें डाला, ये जीरो, ये अपना एल एच एल आ गया, अब माइनस का पाई बाय टू इसमें डाल रहा हूं, इसमें डालते ही प्लस का पाई बाय टू, प्लस का पाई बाय टू, इसमें एक और एक माइनस का पाई, माइनस का पाई, और इसमें डालते ही जीरो, सही है, तो अपने पास बचा क्या, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है थ्री पाई बाय टू और इधर आ रहा है माइनस का पाई बाय टू, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूटी भाई बर्बाद इसकी, तो पाई बाय टू पे तो गया, जीरो पे चेक करते हैं, जीरो उठा के इसमें रखा जीरो, जीरो उठा के इसमें रखा कॉस जीरो वन, तो माइनस का थ्री, जीरो उठा करके पाई में रखा, रखा ही नहीं गया, माइनस का पाई रह गया, अब जीरो उठा करके इसमें रखो जीरो, जीरो उठा करके इसमें रखा माइनस थ्री, प्लस का पाई, और ये आपस में इक्वल नहीं है, जीरो पे भी कंटिन्यूटी गई, सही है, अब कौन बच गया, पाई बाय टू, पाई बाय टू उठा करके इसमें रखा पाई बाय टू, माइनस जीरो, याद है ना, इसमें रखा जीरो और प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई, तो मतलब राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया थ्री पाई बाय टू, अब आ जाते हैं इधर, पाई बाय टू उठा के इसमें रखा थ्री पाई बाय टू प्लस जीरो, थ्री कॉस जीरो है ना, तो अपने पास में ये थ्री पाई बाय टू आ गया, ओहो माने यहाँ पे क्या क्या कहूंगा, कंटिन्यूस है, सिर्फ अब देखो कंटिन्यूस हर जगह, गलत बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डिसकंटिन्यूस सिर्फ एक ही जगह पर है, गलत कह रहे हैं, अब आए डिफरेंशियबल हर जगह है वो भी भूल जाओ, गलत हो गया, तो वैसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी एट थ्री पॉइंट्स, अभी देखो कंटिन्यूटी के बारे में तो पक्का है एक ही पॉइंट पे रह गई, अब क्या उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी बचा के ले जाएगा या वो भी हमारे पकड़ में आ जाएगी, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं क्या निकालूंगा, और एफ डैश एक्स भी पूरा डिफाइन नहीं करूंगा, अब सिर्फ पाई बाय टू वाला पार्ट करूंगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो जीरो एक्स और पाई बाय टू, और दूसरे वाले में पाई बाय टू एक्स और पाई, राइट है ना भाई, अगर मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो जीरो जीरो ना सॉरी वन माइनस वन प्लस थ्री साइन एक्स, सॉरी सॉरी मेरा दिमाग घूम गया, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करा तो थ्री माइनस थ्री कॉस थ्री साइन एक्स, सही है, अब पाई बाय टू भी रख लें इस पे, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पे एक हम निकाल रहे हैं एल एच डी और एक हम निकाल रहे हैं आर एच डी, निकालें पाई बाय टू रखो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री इंटू वन, और पाई बाय टू यहाँ रखो थ्री माइनस थ्री इंटू वन, ये तो जीरो आ रहा है और ये चार आ रहा है, तो मैंने नॉट डिफरेंशियबल, कहाँ पर डिफरेंशियबल नहीं है, तीन पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है, कौन कौन से, नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू, लो साहब तीनों पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी गई, पहले दो पे किसके कारण बर्बाद होगी, कंटिन्यूटी के कारण, और एक पॉइंट पर रह गई डिफरेंशियबिलिटी, खुद ही लुढ़क गई, नॉन डिफरेंशियबल एट थ्री पॉइंट्स, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन वो दे सकता है, आप पिछले इतिहास को देखिए वो इसी तरह का क्वेश्चन देता है, इवन वो एडवांस में भी ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, जिसमें वो आपसे इतनी लंबी फाइट तो करवाई लेता, उल्टा इसमें दो चार और चीजें चिपका देगा वो,
चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ, ये अगर हो गया हो तो, है ना, इस साइड से तो हो ही गया वो कॉपी। हाँ भाई, ये उम्मीद है हल्का हल्का याद होगा, पिछली बार हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी जिसमें एक फंक्शन एफ एक्स था, एक जी एक्स था, एक एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स था, और एक बार जहाँ दोनों ऐड हो रहे थे वहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, और जो मल्टीप्लाई का सीन होता है वही डिवाइड का भी होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंटिन्यूस हो, ये कंटिन्यूस हो, तो ये याद है सी 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 सी, फिर याद है यहाँ पे क्या था, सी डी डी एम, सी डी डी एम, फिर यहाँ क्या था, डी डी एम एम, लेकिन उस समय पर सी माने कंटिन्यूटी था और डी माने डिफरेंशिएबिलिटी और एम माने मे बी। आज हमारी कहानी में डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, इसका अंदर डी है ना, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो जब दोनों ऐड होके आएंगे या सब्ट्रैक्ट होके आएंगे तब तो भी डिफरेंशिएबल, मल्टीप्लाई होगा तब भी डिफरेंशिएबल, माने दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उनका मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब डिफरेंशिएबल। अच्छा, लेकिन अगर एक डिफरेंशिएबल हो और एक नॉट डिफरेंशिएबल हो तो हमारे कमेंट सिर्फ प्लस माइनस तक ही सीमित है, तब हम कह सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन आगे के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, और ये जितनी भी चीजें चल रही हैं जनरल चल रही हैं, ठीक है ना, वही देखो याद है पहले था सी डी डी एम, अब की बार है डी एन डी एन डी एम, सही है, इसके बाद वाले में लास्ट वाले में होगा एन डी एन डी एम एम, सही है। हाँ, अब इसके इससे क्या ये हमारे को किधर किधर धकेल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया था आईटी ने, काफी लेंदी था, हम उसका सिर्फ एक ऑप्शन उठा रहा हूं मैं, राइट है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, में दे दिया अगले ने कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, सही है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है ना भाई। तो देखो वैसे देखा जाए तो आप दिमाग लगाओगे ना तो कॉस मॉड एक्स का ग्राफ बताता हूं, याद है ना जब भी फंक्शन में एक्स की जगह मॉड एक्स हो तो किस तरह का ग्राफ बनाओ, राइट साइड का, तो कॉस का राइट साइड का ग्राफ ये होता है। अब लेफ्ट साइड में इसकी इमेज बिल्कुल यहीं से चालू होगी, बिल्कुल, क्या आप ये बात समझे, तो इसका मतलब ये क्या आपको लगा कहीं कोई शार्प आया नहीं आया, तो मैंने ये वाला फंक्शन कैसा है डिफरेंशियबल, अरे ये वाला फंक्शन डिफरेंशियबल, अच्छा मॉड एक्स का ग्राफ याद है ऐसा शार्प आया, तो मैं इसको क्या बोलूं डिफरेंशियबल नॉन नॉट डिफरेंशियबल, तो ये डी और एनडी के सम में चला जाएगा और डी प्लस एनडी इज इक्वल टू एनडी, माने आंसर नॉट डिफरेंशियबल हो गया, सही है। और डिफरेंशियबिलिटी भी कहां लूटी अगले की, जीरो पर, क्यों, क्योंकि इसने जीरो पर धक्का खाया तो नॉट डिफरेंशियल, तो ये टेबल का फायदा है। अच्छा, जहां हमारे को ये मिला ना, लेकिन अगर मान लो ये नहीं होकर के ऐसा फंक्शन होता एफ एक्स इज इक्वल टू होता साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, अब आप क्या करते सर, मैं आपसे पूछता साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ, राइट साइड में साइन एक्स का ग्राफ बना दूं ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और लेफ्ट में उसकी इमेज बना दूं इसकी इमेज ऐसी बनेगी, तो कोई शार्प आ रहा है, जीरो पर आ रहा है ना शार्प। अच्छा, इसका मतलब ये अपने आप में कैसा बोलूं इसको, नॉट डिफरेंशियबल बोल दूं इसको, नॉट डिफरेंशियबल, बिल्कुल बोल दिया। अच्छा, मॉड एक्स इज ऑलरेडी, तो ये एन डी प्लस एन डी का केस हो गया, इसका मतलब मे बी, लेकिन अपन मे बी नहीं बोल सकते भाई, अपने को अब आंसर देना पड़ेगा। हाँ, वहां ऐसा मे बी नहीं बोलना है, टेबल कहती है मे बी, नाउ यू चेक इट, ठीक है ना। अब इसको कैसे करना है वो समझा रहा हूं, क्या कहते हो, आपको नहीं लगता कि आपको पता है कि जब भी कहानी में हो तो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, बिल्कुल, तो एफ एक्स इज़ में आपको पता है ये बन गया साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, है कि नहीं, बताओ डिफाइन भी कहां करना है, जीरो पर, क्योंकि कहानी में दोनों के टर्निंग पॉइंट जीरो हैं, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो माने एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, इसको लिखा साइन एक्स प्लस एक्स, क्या बताऊं इसमें साइन मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस का साइन एक्स माइनस का एक्स, ये कौन बना हमारा फंक्शन, मैं जीरो इसमें भी रखता हूं तो साइन जीरो प्लस जीरो, और जीरो इसमें भी रखता हूं तो माइनस का साइन जीरो माइनस जीरो, क्या आपको नहीं लगता आप जीरो इक्वल टू जीरो देख रहे हैं,
तो आपका LHL इक्वल टू RHL हो गया। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अब तो धड़ाधड़ खेल रहा हूँ। कंटिन्यूटी हो गई, कंटिन्यूस है। डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए क्या करूँ? एफ डेस एक्स कितना निकलेगा? कॉस एक्स प्लस वन माइनस कॉस एक्स माइनस वन। अब की बार कैसे? एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो देखूं। तो इस जगह पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या चेक करना है? LHD। और क्या चेक करूं? LHD किसके सामने वाला? लेस देन के किसके सामने वाला? तो अपनी तरह से यहां कितना रखू? माइनस कॉस जीरो माइनस वन, और RHD में क्या लिखू? कॉस जीरो प्लस वन। आंसर बोलो इसका, टू। इसका क्या कहता हूं? डिफरेंशियबल नॉट डिफरेंशियबल? माने मे बी की जगह पे मे बी तो हट जाएगा और आंसर इस क्वेश्चन के लिए नॉट डिफरेंशियबल आ गया। तो माने फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, सही है। तो याद रखना, ये जब भी एनडी एनडी का गेम होगा ना, आप ही को करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आप ही को अपनी तरफ से बात को हिंट अप करना है, आप ही को चलाना है। अच्छा, y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स को 0 से 2 पाई में ड्रॉ करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स कर सकते हो ड्रॉ? देखें, अगर बना दो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स ड्रॉ कर गए, मतलब सिखाया वापस 2 पाई, मेरा भी हो गया। ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। याद दिलाऊं या पता है? पता है ना, इसके बीच में कहीं साइन एक्स हुआ करता था। जो 1 पे था वो 1 पे ही रह गया, और जो भी 1 से कम थे वो नीचे आके प्लेट बना के, याद आया है कि नहीं? और उसकी वजह से होल और दिखा। अच्छा, इधर के भी 1 से कम थे वो भी आकर के 0 पे गिर गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में ये ग्राफ ऐसा आया और ऐसे यहां पे जाके मुड़ गया। वो सारे पॉइंट जो 0 से कम थे वो यहाँ के इकट्ठे हो गए, और जो चीज यहाँ खड़ी थी वो यहाँ होल बना गई, यहाँ खड़ी थी यहाँ होल बना गई, काम हो गया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, सही है। अच्छा बताओ, नॉट डिफरेंशियबल एट कितने पॉइंट्स पे? 1, 2, 3, ठीक है ना? एट 3 पॉइंट्स लिख दो। किस पे? 1 तो पाई बाई टू पे, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, पाई बाई टू है। ये पाई है और ये 2 पाई है, ये 0 है, एकदम सही बोल रहा हूँ। एक तो पाई बाई टू पे गैप आया, डिसकंटिन्यूस हुआ, इसलिए नॉट डिफरेंशियबल हुआ। दूसरा गैप कहाँ आया? पाई पे। और तीसरा गैप कहाँ आया? ठीक 2 पाई पे। तो अपने आप में ऐसा हुआ। अब जरा क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको मेरा ये बात समझ में आ गई कि अपन क्या सोच रहे हैं, तो क्वेश्चन मेरा एक्चुअल में था, क्वेश्चन में दे रखे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स इन 0 to 2 पाई, नॉट डिफरेंशियबल एट हाउ मेनी पॉइंट्स? बताओ। ऐसा है? अच्छा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कंप्लीट का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, करके बताओ।
क्या जरा सा भी दिमाग चला कि कहानी में एक और किरदार आ गया? ये अपन ने किसका ग्राफ बनाया, वाई कर दो मैं जी आई एफ ऑफ साइन एक्स। अब हमारे को एक और चीज की भी जरूरत है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, जो वन पे ही रह गया, जो वन से जरा सा भी गिरा वो जीरो पे आ गया। ठीक है, यहाँ होल आ गया, ठीक है, अच्छा वो यहां तक आया, अच्छा जो भी यहां से गिरा वो माइनस वन पे चला गया, ठीक है ना। अच्छा ये जगह का नाम पाई बाय टू आया, ये जगह थ्री पाई बाय टू आ गया, थ्री पाई बाय टू पे वापस ऊपर आया, और थ्री पाई बाय टू के बाद किधर गया, टू पाई तक ऊपर ऐसा, ठीक है, ये जगह पे टू पाई पे वन आ गया। हाँ भाई, तब तक मैं भी बता दूं कि मेरी तरफ से ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, मैंने समझाया नहीं बिल्कुल भी, मैंने समझाया ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स मैं फंक्शन में बता चुका हूँ, सब बार बताया मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट, कितनी जगहों पे टूटा, एक तो सबसे पहले जीरो पे टूट गया, दूसरा पाई बाय टू पे टूटा, तीसरा थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू पे टूटा, सही है, और चौथा टू पाई पे फिर टूटा। हाँ भाई, अब लफड़ा हो सकता है ना कि भाई जहां ये कंटिन्यूस या नॉट डिफरेंशियबल, वहां नॉट डिफरेंशियबल ये भी और वो भी, फाइनली हम मैच कहां कराएंगे? मैंने एक एक पॉइंट पे सोचना, देखो पहले जीरो पे बात करते हैं, अगर मैं एक्स इजिकल टू जीरो पे बात करता हूं तो एक्स इजिकल टू जीरो पर ये कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, देखो ना डिफरेंशियबल है ये, साइन एक्स डिफरेंशियबल है, लेकिन ये नहीं है, तो ये जीरो पर, जीरो पर ये डी है और वो एन डी है, अरे ये टूट गया, ये टूट गया ग्राफ, लेकिन ये नहीं टूटा, ये लगातार चल रहा है जीरो से, तो ठीक जीरो पर अगर जाकर के देखा जाए तो डी प्लस एन डी चल रहा है, लेकिन थोड़ा मेरे को शक है हल्का, वैसे आंसर एन डी बोल रहा हूं मैं अपनी तरह से टेबल के अकॉर्डिंगली, आंसर मेरे को डी प्लस एन डी इज गुड एन डी बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्यों दिखा रहा हूं मैं कारण बताता हूं, लफड़ा क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये जीरो पे लेफ्ट बाउंड्री पे खड़ा हूं मैं, और पहले कहीं एक बार मेरे हाथ जले लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री के चक्कर में, मुझे इस जगह पे सिर्फ दो चीजें देखनी होंगी, एफ जीरो और एफ जीरो, एफ जीरो प्लस। अच्छा और एक और बात बताता हूं, यहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी पार्ट ही नहीं है, खेल नॉन डिफरेंशियबिलिटी का है ही नहीं, ध्यान से सोचो, ये जितना भी अपन कह रहे हैं ना डिफरेंशियबिलिटी गई, वो एक्चुअल में डिफरेंशियबिलिटी जा ही नहीं रही, कंटिन्यूटी लफड़े में, अरे लफड़ा तो कंटिन्यूटी का ना, अरे ब्रेक हो रहा है ग्राफ, ग्राफ तो ब्रेक हो रहा है, तो मैंने पहले डिसकंटिन्यूस हो रहा है उसकी वजह से नॉट डिफरेंशियबल हो रहा है, तो एक्चुअल में कहानी क्या है, ये तो कंटिन्यूटी की कहानी है, तो ओवरऑल अगर हो सकता है इस जगह पे कंटिन्यूस हो जाए, देखें एक बार जरा चेक कर लेते हैं, मैं एफ जीरो पूछता हूं, अगर मैंने एक्स की जगह जीरो डाला तो साइन जीरो जीरो, जीरो का जी आई एफ भी जीरो, अच्छा ठीक जीरो डाला तो कॉस जीरो वन, वन का जी आई एफ भी वन, तो आंसर आ गया वन। अच्छा अब जीरो प्लस होता ही साइन जीरो प्लस, साइन जीरो प्लस जीरो से बड़ा, जीरो से बढ़ेगा जी आई एफ जीरो, अच्छा जीरो प्लस होते ही वो एक से छोटा, एक से छोटा होते ही है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक से कम जीरो, तो आपको पता चला ये जीरो आ गया, मैंने आपको पता चला कि फंक्शन एक्चुअल में डिसकंटिन्यूस हुआ है, अरे मैंने एफ डैश तो नहीं लिखा है, एफ जीरो और एफ जीरो प्लस निकाला है, डीसी हुआ इसलिए एनडी हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये कहानी एक्चुअल में एनडी की है ही नहीं, ये कहानी तो डीसी की है, लेकिन गले किसके पड़ गई, एनडी के, यहां ध्यान रखना थोड़ा आप, इसलिए आपको जहां भी शक हो ना कि यार ये लफड़ा कर सकता है चेक कर लेना लेफ्ट, अब देखो हर जगह पे जहां जहां भी चक्कर है, अब दूसरा लफड़े की जगह क्या है, एक्स इज इक्वल टू, दूसरी ऐसी कौन सी जगह थी जो सबसे पहले पड़ी, पाई बाय टू, पाई बाय टू पे क्या चक्कर था, पाई बाय टू पे, पाई बाय टू पे ये भी ब्रेक हुआ और पाई बाय टू पे ये भी ब्रेक हुआ, माने एनडी प्लस एनडी, और एनडी प्लस एनडी हमारा दर्द है, ND प्लस ND में भी में जाता है, तो अब हमारे को यहां चेक करना पड़ गया, याद है ना, तो ये बोल के भागा मे भी और हम भागे दूसरी तरफ कि भाई चलो एफ पाई बाय टू प्लस और एफ पाई बाय टू माइनस चेक करो भाई, और क्या करें चेक, पाई बाय टू प्लस साइन पाई बाय टू प्लस ठीक पाई बाय टू पे वन, पाई बाय टू प्लस होते ही साइन पाई बाय टू वन, साइन पाई बाय टू प्लस होते ही एक से कम, साइन का ग्राफ अभी एक से ऊपर जा ही नहीं सकता, नहीं समझ में आया, तो ये यहां लिख रहा हूं एक से कम लेस देन वन, सही है, मैं इसको समझाऊंगा लेकिन लिखूंगा नहीं, अब देखो प्लीज बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, पाई बाय टू प्लस ठीक पाई बाय टू पे कॉस पाई बाय टू, इसको भी देख सकते हो आप, यू देख सकते हो, देखो पाई बाय टू पे
ठीक, पाई बाय टू पे जीरो और पाई बाय टू प्लस होते ही नीचे आ गए माइनस वन। नहीं आया समझ में? अब मैं इसको भी जरूरत नहीं, देखो आप साइन में देखो, आप जरा साइन में आ जाओ। पाई बाय टू ठीक, ये पाई बाय टू प्लस चला ना, ठीक पाई बाय टू पे वन और पाई बाय टू प्लस होते ही जीरो, तो ओवरऑल आपका आंसर हो रहा है जीरो माइनस वन बन है, आंसर इज माइनस वन। ठीक है, अब जरा पाई बाय टू माइनस पे चेक करो, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू ये रहा, पाई बाय टू पे वन और पाई बाय टू माइनस पे आप कहाँ खड़े हो? जीरो। तो मैं यहाँ तो सीधे जीरो लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा पाई बाय टू पर जीरो और पाई बाय टू माइनस पे भी जीरो, तो ओवरऑल आपका आंसर जीरो माने डिसकंटिन्यूस। अरे ये डीसी हुआ ना, डीसी माने एनडी, माने इस बार मे भी नहीं आया, एनडी आया, माने कहाँ पर? पाई बाय टू पे। ठीक है, तो ऐसे मैंने इस पे चेक कर लिया, दूसरे पे चेक कर लिया, अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा कौन सा है? थ्री पाई बाय टू, ना ना ना, कौन सा है? पाई, पाई लेकिन इसमें है और इसमें नहीं है। इसका मतलब ये कि पाई पर ये जरूर टूटा लेकिन ये लगातार बना रहा, देखो पाई पे। ठीक है ना, माने ये टूटा, साइन टूटा, इसलिए एक्स इज इक्वल टू पाई पे वो एनडी में गिना गया और ये डी में गिना गया, और डी प्लस एनडी इज इक्वल टू एनडी। मैं तो सीधा एनडी लगा रहा हूं, भरोसे पे चल रहा हूं, माने नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है? थ्री पाई बाय टू। सोच लो आप, थ्री पाई बाय टू पे ये कैसा? थ्री पाई बाय टू यहां पड़ेगा इसका, थ्री पाई बाय टू माने थ्री पाई बाय टू पे डी, याद है ना, लगातार है, लेकिन थ्री पाई बाय टू पे ये वाला जंप कर गया एनडी। अरे थ्री पाई बाय टू पे देखो ना, थ्री पाई बाय टू पे ये थ्री पाई बाय टू पे जंप कर गया, तो मेरे लिए डी प्लस एनडी एनडी। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट उठा, आखिरी पॉइंट कौन सा है? लास्ट क्यों उठा? एक सेकेंड, पाई गिन लिया, थ्री पाई बाय टू गिन लिया, पाई, हाँ सही बात है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट का एक्स इज इक्वल टू टू पाई। अब आ जाओ टू पाई पे चेक करा दूं, टू पाई पे ये वाला ग्राफ टूटा और ये भी टूटा, माने एनडी प्लस एनडी हो गया। ओहो, मे बी मैं चला गया, चेकिंग के बगैर नहीं मानेगा ये। ठीक है ना, और वो भी कहां खड़ा है? कहां खड़ा है? टू पाई पे कहां है? राइट बाउंड्री। इसका मतलब मेरे को चेक क्या करना है, एक तो एफ टू पाई और एक एफ टू पाई माइनस, है ना। अब मेरा दादा अगले आप सोच सकते हो, देखो टू पाई पे इसकी वैल्यू बोलो, ठीक टू पाई पे इसकी वैल्यू, टू पाई पे सोचो जीरो, डॉट ये है ना, तो इसका तो जीरो लगा देता हूं। इसकी टू पाई पे वैल्यू बोलो वन, ये रहा टू पाई, यहां है टू पाई, है ना, टू पाई पे कितनी? वन, माने आंसर इज वन, सही है। अच्छा टू पाई, अब माइनस पे सोचना है, इसका टू पाई से कम होते ही जीरो, सही है, और इसका टू पाई से कम होते ही माइनस वन, तो ओवरऑल आंसर इज माइनस वन, माने डीसी, डीसी माने एनडी, माने ये भी नॉन डिफरेंशियबल गया। तो कितने पॉइंट में नॉन डिफरेंशियबिलिटी आई? एक दो तीन चार पांच, सही कह रहा था, नॉट डिफरेंशियबल एट फाइव पॉइंट्स। अब आपको समझ में आया, पूरा ग्राइंड हो गया, अपन ने इतना भयानक वाला क्वेश्चन कर डाला कि पूरी जो अपने को टेबल थी ना उसका मीनिंग पकड़ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये कहना चाह रहा था डी प्लस एनडी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, अगर आप इस लेवल की चीजें समझ रहे हैं, अगर इस लेवल की चीज आपके पल्ले ही पड़ गई ना, तो ये हम जैसे लोग तो खुश हो जाएंगे कि वाह इस बार तो चमत्कार कर दोगे तुम लोग। और मैं इसमें कैसे आखिरकार छोड़ सकता हूँ आपको, याद तो दिलाना ही पड़ता है, ये तो है ना, मेरे पे उधार है आपका। फंक्शन आर टू आर डिफरेंशियबल, पहला काम हो गया। आगे बोल रहे हैं एफ ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। आगे बोलता है सेमी कॉलन एफ डैश जीरो इज इक्वल टू पी एफ डैश फाइव इज इक्वल टू क्यू। पूरी आजादी आपको आपके नोट्स को खंगालने की, ठीक है ना, पी कॉमा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर बोल रहा हूं आपको, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है,
इसलिए आपको मैंने पूरी आदत दी, आपने नोट्स छान लो, आपके सामने ही पड़े हुए, ठीक है, आप तो आंसर कोट करो मान जाओ, टाइम लेकिन आपके पास 30 सेकंड है छानने के लिए लंदन स्टाइल में, सही है कि क्वेश्चन कर दे, बुक सामने पड़ी है। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है आपको और मैंने कहा था ये ट्रिक है, ये और बात है कि आपने नहीं लिखा होगा पक्का रहा। तीस सेकंड बाद मैं दूसरा हिंट दूंगा तब भी आंसर नहीं दूंगा। रेडी? मिला? इतनी देर में तो मिल जाता। अपने इसके फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन ही कितने करें, 7 या 8, आपको 8 क्वेश्चन ही तो देखने हैं, उनमें कोई क्वेश्चन में तो होगा। हाँ, हो सकता है आप फंक्शनल इक्वेशन देख रहे हो इसलिए आपको आंसर नहीं मिलेगा, मैंने पहले बोला था 30 सेकंड बाद दूसरा हिंट दे रहा हूं। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि अगर सिर्फ न्यूमेरिकली आंसर दे रखे हो, न्यूमेरिकली हिंट दे रखे हो, तो आंसर उनका। हाँ, कहीं देखो आपका कोई क्वेश्चन था, लेकिन क्या था उस क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को देख के अभी भी आंसर बोल दो। मैंने आपको बोला था, एक मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर सारी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती है उनमें मल्टीप्लाई करते आंसर आ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अभी भी आप गलत कर बैठोगे। एक 5 था और एक 11 था शायद, 55 या 33 में से कुछ आंसर था, 55 था क्या? अब इतना तो चलो मिलने लग गया आपको। सोच के जवाब दो। अभी भी नहीं ध्यान आ रहा? हाँ, क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन में क्या क्या था? f of 3 था और f-0 था, और आंसर 55 था। किसका? f-3। अच्छा, अब आप सोचो, उस क्वेश्चन को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि f-3 इज इक्वल टू में f-3 into f-0 था आपका आंसर। हाँ या ना? अब यहां दिमाग लगा लो आप, यहां पर भी सोचोगे तो खट आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर बोलो आप तो, और क्या, f5 = p/q, क्वेश्चन खत्म। आपने अगर इनमें गड़बड़ कर दी तो मैं नहीं जानता, आपको याद होना चाहिए डैश f-0। मैंने बोला था f-0 बहुत काम की चीज है, इसमें इस पर हमेशा नजर रखना। और देखो वही चीज दे रखी है अगले ने, f-0 दे रखा है। अब आपको बताना चाहिए इसमें अगर आप भरोगे तो f-5 = f-5 into f-0 होना चाहिए, तो f-5 की वैल्यू क्यू, f5 आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू पी, तो इसका अंदर f-5 = q/p। ओ, आंसर मेरा तो q/p आ रहा है, मैं भी देख लूं आंसर, आंसर q/p है भाई, कोई बात नहीं, उसने वो इतनी दूर से देख करके आइडिया लगाया था। अच्छा, अब लेकिन आप मेरे से अड़ सकते हो, मैं दूसरी चीज बताता हूं। अब समझदार बच्चा अड़ सकता है, सर फंक्शनल इक्वेशन तो बदल गया आप, लेकिन अभी भी ट्रिक पे खड़ो। हाँ, मैं मानता हूं फंक्शनल इक्वेशन बदल गई, ठीक है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़ा सा काम करो, x की जगह x+h रखो और y की जगह h रखो इस फंक्शनल इक्वेशन में। जैसे आप रखोगे, बताओ ये x y की जगह h रखने को बोला, ये बन जाएगा fh, पास वाला बन जाएगा f(x-y) की जगह h, यही तो बनेगा। और x की जगह अपन x+h भी तो रखेंगे, तो x+h - h और fy की जगह fx की जगह f(x+h), यही तो होगा, जान तो ये और कट गया। जरा इसे पढ़ना ढंग से, f(x+h = f(x)(fh) और कल मैंने जो फंक्शनल इक्वेशन दी थी आपको, है ना, वो फंक्शनल इक्वेशन थी f(x+y) = f(x)(f)y, याद करो आप बिल्कुल, क्या आपको वही प्रोटोटाइप नहीं मिला? तो कई बार वो आपके साथ ये भी गेम खेलेगा कि आपके देखी हुई चीजों, लेकिन पता है फिर भी ट्रिक काम कर गई, ट्रिक से आप निकाल सकते थे गाड़ी।
वहां आपके लिए सोचना तो बहुत मुश्किल है। मैं तो मतलब मान ही नहीं सकता कि आप में से कोई एकदम से सोच जाएगा कि x की जगह x प्लस एच और इसकी जगह h रख के देखा सर वो वाला क्वेश्चन में बैठ गया अपना तो सतूना। ठीक है, anyway, जिनके दिमाग में आ गया पुरानी चीज इस बारे से देखी तो सही, रिपीट तो मारी। ठीक है, मैं जो कह रहा था मैं जो चाह रहा था, हालांकि आदमी चाहता तो बहुत है। अच्छा, एफ बी आ डिफरेंशियबल फंक्शन सेटिस्फाइंग, देखें x प्लस वाई बाई थ्री आस्किंग है, मतलब सिंपल बस क्वेश्चन में 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई थ्री फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। उम्मीद है आपको याद होगा, बिल्कुल इसका चेहरा आपके दिमाग से गया नहीं होगा। एफ डैश टू इज इक्वल टू 2, फाइंड पहला क्वेश्चन एफ ऑफ वन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स एफ मॉड एक्स, सॉरी बनाना नहीं है, बनाना नहीं है, क्वेश्चन यही है, पॉइंट यही है, मैंने सिखा दिया, अब आप खेलो सीधा। मैंने आपको सीन सिखाया था, ट्रिक से खिला रहा हूं आपको। एफ ऑफ जीरो टू हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इसको देखते ही समझ गया ये बच्चा, एफ जीरो की वैल्यू टू हो जाएगी। किसी को याद आया क्यों? हाँ, ये एक्स प्लस वाई नहीं है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जीरो है, याद करो, ट्रिक से सिखाया था। अच्छा, और दूसरी चीज सिखाई थी एफ डैश टू, ऑलरेडी टू दे रखा है, मैंने बताया था कि इसमें एम काम कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे फंक्शन क्या अज्यूम करना चाहिए, ए एक्स प्लस बी, याद आया मेरे को फंक्शन ये अज्यूम करना चाहिए, है क्या नहीं? तो मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू ए देख रहा हूं और एक्स की जगह पर मैं टू डाल रहा हूं, तो ए की वैल्यू भी टू आ रही है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू टू एक्स प्लस टू, लो फंक्शन आ गया। अब आप मेरे को इसका जल्दी से दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दो, पहला था एफ वन, देख के बोलना है आपको जो बोलना है, हाँ कितना बोलो ना सीधा, एफ वन कितना 4, इतना टाइम थोड़ी ना, मैं तो कह रहा हूं नेचुरल आस्किंग है। दूसरा क्वेश्चन बोलो, हाँ पेन है पेपर है, मैंने कल बताया था ना 12-12, 15-15 घंटे में सोचो आप, खेचो हाँ भाई, दिमाग के घोड़े दौड़ो आपके। कुछ चला दिमाग या नहीं चला? ऑब्वियसली चला होगा, अभी भी नहीं बता पा रहे। एफ मॉड एक्स में इतना टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो भाई, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो भाई, एफ मॉड एक्स में इतना टाइम लेना तो पाप है। आपने एफ एक्स का ग्राफ बनाया क्या? आपको पता नहीं कि ये कैसे बनता है? एफ मॉड एक्स कैसे बनाते हो फिर? इतना क्यों टाइम ले रहे हो? ये तो ज्यादा ले रहे हो भाई टाइम। मैं बिना ग्राफ बनाए आपको बता सकता हूं आंसर 2 to infinity होगा। मैं बिना ग्राफ बनाए बता सकता हूं, क्योंकि मैं इसको देखते समझ गया कि ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है, ये इसकी लाइन जो है एक्स को 2 ऊपर करने से आएगी, और आप राइट हैंड साइड का बना के लेफ्ट में उसकी इमेज बनाओगे, तो एक्चुअल में जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसा है, ये पॉइंट का नाम 0.2 है भाई, हाँ या ना? ये तो कौन आया? एफ एक्स। अगर आपने एफ मॉड एक्स बनाया तो मॉड एक्स बनाने की शर्त क्या थी याद है? राइट का ग्राफ बनाओ सिर्फ, और लेफ्ट मोस्ट की इमेज बना दो, तो आप 0.2 से ऊपर ही तो देख रहे हो, मैंने आपकी रेंज कितनी आ गई 2 to infinity। इतना क्यों समय लगा रहे हो? ये तो बुरा हो जाता ना। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल एकदम सामने से दिया, वो क्वेश्चन पीट दिया आपने। फिर क्या है? क्लिक नहीं करता, क्या करा जाए, क्या व्हाट बेस्ट आई कैन डू? ठीक है, एक नया क्वेश्चन देना पड़ता है फिर। एफ एक्स इज डिफरेंशियल, मैं तो आस्किंग दे रहा हूं, आस्किंग नहीं समझते, ऐसे ओरल क्वेश्चन होते ना वैसे थ्रो कर रहा हूं। ठीक है, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल फंक्शन, ठीक है ना, आगे वो सेटिस्फाइंग, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सेमीकॉलन में एक और चीज एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड। ठीक है, चार क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ऑप्शन नहीं है, चार क्वेश्चन है, एफ जीरो सेकेंड क्वेश्चन एफ डैश जीरो थर्ड क्वेश्चन एफ डैश एक्स फोर्थ क्वेश्चन एफ थ्री।
बताओ। सब सिखा रखा है मैंने आपको, सब सिखाया है। और मैंने यह भी बताया था कि डिफरेंशिएशन और इसमें से कौन सा तरीका बेहतर है। मैंने कल आपसे बात पूछ के रखी हुई है, हर बात रखवाई थी भाई। क्या कहते हो बताओ, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हुआ क्या, गया के आ गया, के मतलब आप लिमिट वाले तरीके जा रहे हो, आरएचडी वाले से। मैंने अपने एफ डेस एक्स का फार्मूला लिख लिया, मैं भी लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मेरा ही समय बचेगा बाद में, एफ एक्स अपॉन एच मैं भर लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसकी जगह इसको भरना ही तो होता है, एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एच स्क्वायर एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस एफ एक्स से एफ एक्स कट गया, सही है, सिखाया होगा। उतना हिस्सा जिसके अंदर x मुक्त हो उसे k मानो, याद आया, जो x से मुक्त हो। एक ही जना है पूरी कहानी में जो x से मुक्त है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच अपॉन एच प्लस, इसकी जगह लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, सही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं के नहीं मानना, क्वेश्चन ने दिया है के की वैल्यू, देखो जरा, क्वेश्चन ने के की वैल्यू भी दे दी, बिल्कुल एसी की वैल्यू दी है, ध्यान से देखो, अक्सर वो आपके साथ ये चोट करेगा, मेरी सिखाई हुई चीजों से आगे लेके जाएगा, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता एफ एक्स अपॉन एक्स वन है, तो एफ एच अपॉन एच भी वन हो गया, तो आपका फंक्शन ही आ गया, पता है आपको, एफ डेस एक्स, एच की जगह जीरो डालता हूं, ये तो भाग ही गया, तो कितना रह गया वन, इसकी जगह तो पास में एक्स स्क्वायर, यही आया और तो कुछ नहीं बचा ना। अब एफ एक्स, ये एफ डेस एक्स आ गया, मैंने एक एक तो काम बन गया। अब बताओ एफ डेस जीरो वन, ये भी काम बन गया, एफ एक्स पे दौड़ू, चलो एफ एक्स पे आओ, एफ एक्स की वैल्यू बोलो एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा तीन, इसका इंटीग्रेशन प्लस सी, सी हटाने के लिए जरूरत है जीरो की, हाँ या ना, जीरो डालू इसमें, बताओ एफ जीरो एफ जीरो एफ जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, सोच लो एफ जीरो से एफ जीरो काट दूं, एफ जीरो की वैल्यू जीरो, एफ जीरो सुबह आ रहा है ना, एक्स की जगह जीरो डालू, जीरो जीरो जीरो, सी भी जीरो, भाग गया भाई सी। फंक्शन क्या बना फाइनली, फंक्शन बन गया एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा तीन, अच्छा और एफ जीरो की वैल्यू जीरो, और एफ थ्री की वैल्यू थ्री प्लस नाइन ट्वेल्व, देखो अपन नए क्वेश्चन में भी। अब सोचो जब मैंने पहला करवाया था ना, जब मैंने फर्स्ट कराया था डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन, वो कितना मुश्किल था, मैं बस एक 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 स्टेप लिखवाता था, एक एक बात लिखवाता था, पहला दूसरा तीसरा सातवें आठवें में। आज के दिन पे अगर अपन दौड़ रहे हैं तो क्या स्पीड से भाग रही होती गाड़ी, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब प्रैक्टिस। आपका पेन चलता है ना, आपको पता नहीं चलता, आप रोकते रोकते थक जाते हो, आपको लगता है ना मेरे में बदलाव आ गया कोई जबरदस्त, बहुत भयानक बदलाव आते हैं जिंदगी में, आपको रोके नहीं रोकते, मैं कह रहा हूं ना चीजें आपको दिखने लगती हैं।